हेलो किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी खास टॉपिक पर, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे किसान भाई के, वो फोटो भेज रहे हैं और काफी सारी समस्या आ रही है और मैसेज आ रहे हैं कि इस समय पर हमारी धान की फसल तैयार हो चुकी है, लगभग सारी बालियां निकल चुकी हैं और इस समय पर बहुत ही बड़ा अटैक जो आ रहा है वो नेक ब्लास्ट का आ रहा है, जिसे गर्दन तोड़ भी बोलते हैं हम किसान भाई हमारे, जिसे गर्दन तोड़ बोलते हैं। तो नेक ब्लास्ट बहुत ही बड़ी समस्या है हमारी धान की फसल पर। अगर ये समस्या हो जाती है नेक ब्लास्ट, यानी कि जिससे हम गर्दन तोड़ बोलते हैं, तो हमारी जो पैदावार है किसान भी, हमारी पैदावार 100% लॉस में जाती है और काफ़ी सारा घाटा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो लीप नेक ब्लास्ट बीमारी है किसान भी, हमारी जो बाली होती है उसकी जो गर्दन होती है उसको तोड़ देता है और जो हमारी बाली गिर जाती है नीचे, जिससे हमें 100% लॉस देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी समस्या हो चुकी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको इसमें ऐसे टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप इसकी स्प्रे कर देते हैं तो जो नेक ब्लास्ट की समस्या है आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो जो हमारे किसान भाई हिमाचल पर पहली बार है, वो हिमाचल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे और वो काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि नेक ब्लास्ट समस्या क्यों होती है और किस वजह से होती है और कैसे इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। नेक किसान भाई, मैं पहले बता चुका हूँ इसके नुकसान क्या होते हैं। तो किसान भाई, पहले तो नुकसान, बहुत ही बड़ा नुकसान देखा गया है जो नेक ब्लास्ट समस्या होती है, जिसे हम गर्दन तोड़ भी बोलते हैं। किसान भाई, ये हमारी जो समस्या होती है पत्तियों से शुरू होती है, पत्तियों पे लगती, जिसे हम झंडा पत्ती बोलते हैं, उसमें पहले ये अटैक करती है, उसके बाद में हमारी जो उसकी जो बाली की जो गर्दन होती है उसमें ये अटैक करती है, उसके बाद हमारी जो बाली होती है ऊपर से टूट जाती है, नीचे गिर जाती है, जिससे हमें 100% लॉस देखने को मिलता है। और ये समस्या काफ़ी सारी समस्या किसान भाइयों, ये है कि ये मौसम की वजह से भी होती है, पानी की वजह से, अधिक पानी की वजह से भी होती है, ओवर डोज देने की वजह से भी होती है। तो ये समस्या को हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस इससे देखा गया है, काफ़ी सारे हमारे किसान भी परेशान हैं, डरे हुए हैं, जैसे कि और लीफ ब्लास्ट होता है और भी जो भी बीमारियाँ होती हैं, ये एक ही कीट होता है किसान भाइयों, उसकी सारे लीफ ब्लास्ट में ये भी यही कीट होता है। तो इसकी हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसकी सही समय पर रोकथाम नहीं करते हैं तो आपकी जो पैदावार है उसमें आपको करीब 70 से लेकर 80% आपको घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बालियाँ होती हैं वो टूट के नीचे गिर जाती हैं और काली पड़ के नीचे उनकी गर्दन काली पड़ती है, फिर वो टूट के गिर जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो आप किस प्रकार से रोक सकते हैं, वही हम बात करने वाले। किसान भाई, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, आप उसका कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, बहुत ही सस्ता कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मैं काफ़ी साल से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप भी इसका प्रयोग करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान, मैं आपको बताना चाहूँगा, आइसोप्रोथिलीन आपको लेना है 40% ईसी फॉर्म में लेना है और ये लेना है आपको 400 ml, और दूसरा सॉल्ट आपको किसान में लेना है, मैनकोजेब लेना है 5% WP में लेना है और 400 ग्राम लेना है। इन दोनों को 150 से लेकर 160 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाई, अगर आपको हल्की सी भी जो नेक ब्लास्ट की समस्या दिखाई दे रही तो आप तुरंत ही इसका स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो अगर ये समस्या बढ़ जाएगी किसान भाई तो आपका जो धान है उसमें आपकी जो पैदावार वो काफ़ी पैदावार कम हो जाएगी। किसान भाई, आपको अगर इस समय पर अगर नहीं आप देख पाते हो, सही समय पर इसका स्प्रे नहीं कर पाते हो, तो किसान भाई आपकी जो नेक ब्लास्ट की समस्या होती है ये धीरे धीरे करके पूरे हमारे धान की फसल पर फैल जाती है, जिससे हमें हमारी करीब 80% ज़्यादा बालियाँ टूट कर नीचे गिर जाती हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। पहले बालियाँ काली पड़ती हैं, फिर वो टूट कर नीचे गिर जाती हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और हमारी काफ़ी बालियाँ काली भी पड़ जाती हैं, जिससे मार्केट में जो प्राइस होता है वो भी कम मिलता है, जिस वजह से भी हमें दूसरा घाटा भी झेलने को देखने को पड़ता है। तो आशा करते हैं किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई, जो मैंने आपको टेक्निकल बताया, आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपकी जो नेक ब्लास्ट की समस्या थी वो समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।